साथ में तो वो अच्छी थी भैया। ये सुमित्रा का आदमी है साहब, इसकी बीवी को कल रात से पीठ पर एक अजीब सा कुबट निकल आया साहब। क्या निकल गया है? कुबट साहब, कुबट। वैद्य जी सही कह रहे हैं साहब। अरे हमने हो गया क्या भैया? क्या लग रहा है मेरे को? कहां से तू भी मेरा नंबर उठा के लेके आ गए? क्या लग रहा हूँ मैं? डॉक्टर लग रहा हूँ तुमको? सुपर कॉप हूँ यहाँ साहब जी। अगर सवाल सिर्फ कुबड़ का होता ना तो शायद मैं शहर से किसी डॉक्टर को फोन करके बुलवा लेता, लेकिन साहब ये कुबड़ बड़ा विचित्र है, उसके ऊपर एक आँख भी है। जी साहब, आँख? हाँ साहब, हाँ। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा मुमकिन है? वो कोई रोग नहीं है साहब, कुछ और है। वो बहुत ही भयानक और खतरनाक है साहब। साहब हमारी मदद करो साहब। एक काम करता हूँ मैं, तुम लोग यहीं रहो, मैं जरा कुछ लोगों को जाके लेकर आता हूँ। नहीं साहब, आप इन गांव वालों को लगता है कि वो कोई श्राप है, और इन्हें ये भी लगता है कि उस श्राप से बचने के लिए सुमित्रा को मार देना चाहिए। सुमित्रा सर, नहीं है सर, नहीं पता कहाँ गए। हाँ मीरा, हाँ मीरा माँ, तुमने अपनी आँख से देखा वो? हाँ, वो गायब हो गई। एक छोटा आदमी क्या बोल रही मीरा, कुछ समझ नहीं। सुमित्रा क्या कर रहे हैं? हालांकि बारात में आए हैं क्या? खीर बटरी छूना नहीं, एविडेंस है सुराग। ठेकेदार साहब के घर में चोरी हो गई, किसी ने बड़ा हाथ साफ किया है। अरे सुमित्रा तो उन्हीं के घर पे काम करती थी ना। क्या नाम बताया तू? ये जो सुमित्रा है ना, ये चटर्जी के घर पे तो काम करती थी। तब एक साथ दोनों के घर पे मुसीबत, अब संभल के रहना होगा। कुबड़ा चोरी, ये मामला तो लचता जा रहा मियाँ, ये अकेले सुलझने वाला नहीं है, कमांडर साहब को खबर देना ही पड़ेगा। अरे आप लोग कौन है? हम दोनों सुपर कॉप्स हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर में चोरी हुई? हाँ हुआ है ना, चोरी हुआ है हमारे घर पे। हमारा मेड है ना सुमित्रा, उसने चोरी किया है। क्या आप नहीं जानते कि सुमित्रा मर चुकी है? सुमित्रा मर गया? कैसे सर? मुझको तो इसके ऊपर ही शक हो रहा सर। वहाँ सुमित्रा चोरी किया, इन्हें नाराज हो गए, किसी को भेज के उसको मरवा दिया सर। नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने कोई मर्डर नहीं किया है। वो सुमित्रा ने ही हमारे घर में चोरी किया है। वो खजाना है ना सर, खजाना। खजाना?
एक मिनट चौल, ये पांव के निशान कैसे? सर मेरे को पहले इनका हाथ लग रहा था सर, लेकिन ये पैरों के निशाना देख के पूरे यकीन से बोल सकता हूँ सर, ये किसी बच्चे के पैरों के निशाना है। सुमित्रा के घर में भी यही पैर के निशान थे सर। नहीं झोला, एक बच्चा इतना पावरफुल नहीं हो सकता, कोई ना कोई क्लू तो और होगा यहाँ पर। सर यही बॉक्स में से सुमित्रा ने हमारा खजाना चोरी किया है। हो ना हो, वो जो कोई भी है इस बक्से के अंदर कैद था, जिसको हो सकता है कि सुमित्रा ने गलती से आजाद कर दिया हो। बक्से में खजाना था, वो इसके अंदर कैसे आया? ज्वाला, कुछ ना कुछ यहां पर और जरूर होगा जो हमें उस तक पहुंचा। एक मिनट ज्वाला, ये देखो यहां पर कुछ लिखा है। दिल की तमन्ना हकीकत में बदल जाए, जो कहो काश तुम मांगे से ज्यादा मिल जाए। क्या मतलब है इसका? जो कहो काश तुम मांगे से ज्यादा मिल जाए, क्या मतलब हो सकता है इसका ज्वाला? मुझे लगता है कि What? Come on, Joanna, let's go. Moshmi! क्या हो गया तुमको? Moshmi! के लालच की वजह से मेरी मां की मौत हुई थी, और उसी लालच की वजह से तुम सबकी मौत होगी। पूरनपुर के हर एक आदमी को मैं खत्म कर दूंगा। आइए सब लोग, जल्दी आइए, फटाफट यहाँ आ जाओ, नीचे उतरो आराम से, जल्दी आइए, जल्दी आराम से आओ।
जल्दी चलिए 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 चलिए। गरीबी कम थी जो ये कुबड़ दानव आ गया। कौन कौन कौन? नहीं बेटी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी से पूछिए कि क्या उस दानव को उसने उस सुमित्रा के शरीर में जाते हुए देखा था। प्लीज पूछिए इसे। बेटा ओ, ओ देखा। चला यस। अब तक ऐसे कितने केसेस हुए? सर तीन केसेस हुए सर, सुमित्रा, मौसमी जी और हरिया। ओके। देखिए आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो दानव इंसान के अंदर कैसे घुसता है इसके बारे में क्या कोई जानता है, किसी ने कुछ देखा है तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि अगर हम उस दानव को पकड़ना चाहते हैं तो हमारा ये जानना जरूरी है कि वो इंसानों के ऊपर हमला कैसे करता है। कल रात हरिया और आज सुबह भी मेरे साथ ही था। कल रात तुमने हरिया के साथ कुछ ऐसा होता देखा हो जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। साहब मैं और हरिया ओलंपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी वहां से सुमित्रा गुजर रही थी, तो अचानक हरिया बोल रहा था कि काश अगर मुझे ओलंपिक में तैरने का मौका मिला तो मैं भी सोने का मेडल ला सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब मैं अपने घर निकल गया, जब मैंने सुबह हरिया को देखा तो हरिया के पीठ पर साहब कुछ उबड़ जैसा कुछ आया था साहब, पता नहीं क्या था। बस बस चौला, ये जो कुछ भी हुआ है ये हरिया की तमन्ना यानी कि उसकी ख्वाहिशों की वजह से हुआ। याद है तुम्हें उस बक्से में क्या लिखा था? उस बक्से में लिखा था दिल की तमन्ना हकीकत में बदल जाए, जो कहो काश मांगे से ज्यादा मिल जाए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। काश मेरे को हल्लू हल्लू समझ में आ रहा, वो हरिया उधर तमन्ना यानी काश बोला और यहाँ इन्हें बौना शैतान हरिया की पीठ में कूदी मारा। एग्जैक्टली। देखिए आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दरख्वास्त करता हूँ आप सब लोगों से कि जब तक वो दानव पकड़ा नहीं जाता आज के बाद आप में से कोई भी अपनी तमन्ना अपनी ख्वाहिश किसी से नहीं कहेगा। समझ गए मेरी बात? अरे जोर से बोलो। और एक बात प्लीज शांत हो जाइए। और एक बात, और ये जो काश शब्द है इसका इस्तेमाल आज के बाद कोई नहीं करेगा और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। कम ऑन ज्वाला, लेट्स गो। चल चल। काश के क्या कर रही है? क्या? अच्छा ओके ओके। सर क्या हुआ ज्वाला? सर मुझे आप किस्सा ही समझ में आ रहा। सर सर इस गांव में एक राजा था सर, जिसका लड़का ठिंगना था। राजा मर गया, उसकी जगह पे वजीर राजा बन गया सर। तब से ये ठिंगना और रानी दोनों गायब है सर। सर मेरे को लगता है ये वजीर है जिन्हें ठिंगना और रानी दोनों को मरवा दिया सर। उसका बेटा मरा नहीं ज्वाला, उसके शरीर में तब्दीली हुई और वो इस रूप में अपनी माँ का बदला इन सारे गांव वालों से ले रहा है। बचाओ सर, सर बचाओ, मेरी मेरी बेटी का है वो भी सब। कौन ज्वाला? लेट्स गो। यस सर। मीरा 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 काश वो राक्षस मेरे सामने आ जाए, मैं उसे खत्म कर दूंगी।
किसी को। मैंने मना किया था तुमको घर से बाहर निकलने के लिए, हो सकता है कि वो तुम्हें मार देता। देखो बेटा तुम्हें अपना तक क्यों आए तुम लोग यहाँ पर? मैं उस दानव को मारना चाहती हूँ, उसने मेरी माँ को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुमने ये साबित कर दिया तुम्हारा बाप कितना निकम्मा है। तुम इतनी सी उम्र में कितनी बहादुर हो। नहीं पापा नहीं रोगे। सर भगवान का शुक्र है सर, ये बोल नहीं सकती, अगर काश बोल देती तो मारी जाती सर। नहीं ज्वाला, वजह सिर्फ ये नहीं है। तो फिर सर? वजह कुछ और है। बकटोक! 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 काश बकटोक मेरे सामने आए और मुझसे लड़े। बकटोक अब भी वक्त है, बंद करो अपना ये मौत का खेल और जहां से तुम आए हो वहां पर वापस लौट जाओ। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो बकटोक, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ की मौत का बदला ले रहे हो इन गांव वालों को मारकर, लेकिन सोचो उस मासूम बच्ची का क्या जिसकी माँ को तुमने मारा है। क्या कल को वो भी तुम्हारी तरह दूसरों को मारकर अपना बदला ले? बातें बनाना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो बकटोक अब भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। ओह माय गॉड, ये खींचो खींचो। Yeah!
साहब, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबकी जान बचाई। सर, सर आपको मालूम है ये घास लेट लाने में कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफें करनी पड़ी सर। सर सच बता रहा हूँ सर, काश